हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। इसने किस तरह से भारत पे आक्रमण किया और किस तरह से हमारे भारतीय राजशासकों के साथ युद्ध लड़ा। तो चलते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। 1202 में ईस्वी में ये गोर साम्राज्य का शासक बना। दोस्तों, ये गोर साम्राज्य वही साम्राज्य है जहाँ पे गजनवियों का पूरा वर्चस्व होता, लेकिन इसने गजनवियों का दहन करके गोर साम्राज्य का शासक बना मोहम्मद गोरी। उसके बाद इसने 1175 में पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया। मतलब पहली बार इसने 1175 ईस्वी में भारत अभियान चलाया, मतलब भारत को जीतने के लिए वो भारत पे पहली बार आक्रमण किया मुल्तान पे, और उसने वहाँ पे विजय हासिल की। उसने मुल्तान को पूरी तरह से जीत लिया, लेकिन उसकी ये जीत की लालसा, ये जीत की भूख, भारत को हड़पने की भूख उसकी नहीं मिटी, और ये पुनः उसके 3 साल बाद 1178 में दोस्तों वो पाटन, यानी कि आज की गुजरात को उस समय पाटन बोला जाता था, पाटन पे हमला किया। उस समय पाटन के जो शासक थे भीम द्वितीय थे, जो काफ़ी शक्तिशाली थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को मुंहतोड़ जवाब दिया और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा और वह पुनः गोर साम्राज्य वापस भाग गया वहाँ से। दोस्तों, गुजरात में हारने के बाद जब वापस लौटा तो उसने ये सोचा कि पूरे भारत को जीतने के लिए हमें भारत में एक ऐसे राज्य को पहले जीतना होगा जो हमारी आधार बने। मतलब कि जैसे कि एक ऐसे छोटा सा राज्य से स्टार्ट करें, छोटा सा राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा शासक से युद्ध लड़ें, भारतीय शासक से, जो वो युद्ध में गोरी जीत जाए। तो उसके दिमाग में पहले आया पंजाब। उस समय पंजाब में गजनवियों के द्वारा शासन किया जा रहा था। ये वही गजनवी थे जिन्होंने गोर साम्राज्य पे अपनी सत्ता स्थापित की थी और मोहम्मद गोरी ने उसे हटा दिया था। उसने वही बात सोचा कि क्यों ना पंजाब को ही पहले टारगेट किया जाए और पंजाब के जो शासक हैं अमीर खुसरो, जो गजनवी थे, उनको हरा दिया जाए और पंजाब की सेना को अपनी सेना मिलाकर अपनी शक्ति को बढ़ाई जाए, उसके बाद भारत अभियान को चलाई जाए। दोस्तों, उसके बाद उसने पंजाब पर भी आक्रमण किया और अमीर खुसरो को हरा कर उस पूरा पंजाब राज्य को अपने अधीन कर लिया। जैसे ही मोहम्मद गोरी पंजाब के शासक अमीर खुसरो को हराया, उसकी सेना को अपने अधीन कर लिया। अब इसकी जो शक्ति थी मोहम्मद गोरी की वो बढ़ चुकी थी। कश्मीर के एक शासक थे विजय देव से इसने सहायता मांगी। विजय देव ने बिना कुछ सोचे समझे गोरी को अपनी सेना की सहायता दे दी। वो इसलिए दिए थे क्योंकि मोहम्मद गोरी से शायद विजय देव डर चुके थे कि मोहम्मद गोरी आज के, मतलब उस समय के शासकों में सबसे बलशाली शासक हो रहा था, क्योंकि उसकी जो सेना थी गौर की सेना थी, अब प्लस पंजाब की सेना हो गई और उसके साथ उसके बाद अब कश्मीर की सेना भी इसके साथ जुट गई थी। अब इसकी शक्ति जो थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। 1190 तक मोहम्मद गोरी सियालकोट, पेशावर और लाहौर को जीतकर अपने अधीन बना लिया था, यानी कि यहाँ के शासकों की सेना को भी अपने अधीन कर लिया था। जैसे ही मोहम्मद गोरी की सेना या शक्ति, मतलब पंजाब में सुदृढ़ हो गई, अब वह भारत के दक्षिण हिस्से में देखने लगा और वह भारत के दक्षिण हिस्से को जीतने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये अभियान चलाते के समय उसकी सामना हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से। ये क्यों उनकी सामना होती है, थोड़ा समय बताऊं आपको कि एक जगह है भटिंडा। भटिंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। भटिंडा क्षेत्र को लेकर पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय के उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे, और मोहम्मद गोरी के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, जिसके चलते 1191 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हराने के बाद भी उसे माफ़ कर दिए, उसे जाने दिए, और इन्होंने यही सबसे बड़ी गलती की थी पृथ्वीराज चौहान ने। और जाने देने के बाद
गोर जो गोर साम्राज्य के जो लोग थे जिसको गोरी ने पंजाब में बसाया था उसको भी उस राज्य से नहीं निकाले। यही गलती कर दिए पृथ्वीराज चौहान ने। इसके एक साल बाद पृथ्वीराज चौहान पे मोहम्मद गोरी यानी कि 1192 में पुनः आक्रमण कर देता है जिसे त्राइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान पे गोरी ने पहली बार 1191 में हमला किया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी और गोरी हारा था उसको त्राइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं और 92 में हुए युद्ध को द्वितीय युद्ध बोलते हैं, द्वितीय त्राइन युद्ध बोलते हैं। इस समय पृथ्वीराज चौहान यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी से हार गए। लेकिन मोहम्मद गोरी ने वो गलती नहीं की जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी। मोहम्मद गोरी इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और वहाँ पे इनकी आँखों में गरम सरिया घुसाकर इन्हें अंधा बना दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए एक कहावत कही गई है कि दुश्मन को कभी कमजोर और दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर पृथ्वीराज चौहान ऐसी गलती नहीं किए होते तो शायद उस समय वो बच जाते और मोहम्मद गोरी भी इनके साम्राज्य को हरा नहीं पाता। दोस्तों जब त्राइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसके बाद मोहम्मद गोरी अपने प्रदेश लौट गया और जो पृथ्वीराज चौहान का शासन था जो भारतीय प्रशासन था वो अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दिया और वो खुद अपने गौर प्रदेश लौट गया। 1206 में इसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गोरी की। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये जो 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या की गई थी ये हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की थी। ये हत्या किस प्रकार की गई थी दोस्तों मैं इसको आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।